देश में किसान आंदोलित है और एक साल हो गया लगातार किसानों की मांगों को दरकरार किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, किस प्रकार की बैरिकेडिंग की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो दिन दहाड़े घटनाक्रम सामने आया वो दिल दहलाने वाला था, और आज जांच की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज की जांच करे, क्योंकि स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो न्याय दिला पाएंगी, ऐसा लोगों के जहन में विश्वास पैदा नहीं हो रहा है। और प्रियंका गांधी जी, बाकी सब लोग, अगर जिनके घर मौत हुई है उनके आंसू पोंछने जाना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मानवता के तौर पर हम जा सकते हैं। अगर वहाँ जाके कोई राजनीति करता है या शांति भंग करता है तो हम कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको डिटेन करके रखना इस तरह मैं समझता हूँ गलत है। तमाम ना सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता, ये बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लोकतंत्र की है, ये किसानों की है, और उनके साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लेकिन मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ, निंदा करना चाहता हूँ कि एक महिला नेता को जिस प्रकार से उन्होंने डिटेन किया, रात के 3 बजे पुलिस उठा के कस्टडी में ले गई, अब उन पर धारें लगाई गई हैं। ये तानाशाही जो रवैया है ये उत्तर प्रदेश सरकार का आज का नहीं है, पिछले 4.5 साल से लगातार कानून के दायरे से बाहर रहकर वहाँ का पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जनता सब देख रही है और उचित समय पर उन्हें जवाब